अभी देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो क्या समझते हो फंडामेंटल राइट्स से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट? बोलो, क्या समझ में आता है फंडामेंटल राइट्स से? किसे कहें फंडामेंटल राइट? सर्वाधिकार जो राज्यों के विरोध होके मतलब किसी इंडिविजुअल को अपन जीवन निर्वाह हेतु इसेंशियल चीजों के लिए अधिकार, इसेंशियल चीजों के लिए अधिकार मिले। और दावे इसको हम ऐसे लिख देते हैं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? फंडामेंटल मतलब एक तरीके से जो हमें जीवन जीने के लिए बुनियादी चीजें चाहिए, वही हो गया फंडामेंटल राइट। ठीक है, राइट मतलब ये हो गया कि कोई अथॉरिटी इन इसेंशियल चीजों को ऑथराइज कर रही है। ठीक है, अगर मैं कहूं कि वैलिड डिमांड्स ऑफ पीपल विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाई स्टेट, ये किसकी मैं बात कर रहा हूं? और राइट की बात कर रहा हूं। व्यक्ति के वो वैध दावे हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है, व्यक्ति के वो वैध दावे हैं जिनको राज्य मान्यता प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि वैलिड होना चाहिए। हमारे बहुत सारी डिमांड्स हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं कि सारी डिमांड्स वैलिड हो। तो डिमांड्स कैसी होनी चाहिए? वैलिड होनी चाहिए। डिमांड्स वैलिड होनी चाहिए, इसका मतलब यह है कि स्टेट माने कंट्री, तो जो कंट्री की सिस्टम है वो आपकी वैलिड डिमांड्स को क्या करे, रिकॉग्नाइज कर ले या ऑथराइज कर ले, यही होगा ना। और हमने कहा कि फंडामेंटल, हमने कहा फंडामेंटल मौलिक, मौलिक का मतलब ये हो गया कि जो इंसान को जीवन जीने के लिए अनिवार्य है। इसेंशियल, इसेंशियल थिंग्स, विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ बेटर लाइफ स्टाइल। बेटर लाइफ स्टाइल माने डिग्निफाइड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को कहा गया फंडामेंटल, वो बुनियादी चीज़ हैं जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, वो बुनियादी चीज़ें जो अच्छे जीवन के लिए आवश्यक हैं। और उन्हीं आवश्यक चीज़ों की अगर मांग की जाए और अगर स्टेट उन्हें रिकॉग्नाइज कर ले, बोले कि ठीक है, तो यही होगा फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली एक तो एस्पेक्ट ये हो गया, लिटरल डेफिनेशन हो गया। फंडामेंटल राइट्स आर अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन राइट्स। अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन राइट्स, अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन राइट्स, यह मानवाधिकारों का ही एक भाग है, यह मानवाधिकारों का ही एक भाग है। तीसरी बात कि इस ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन कौन कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस। पहली बार किसने किया? चार्टर्स ऑफ यूएनओ कंप्राइज्ड ह्यूमन राइट्स। मानव होने के नाते हमें कुछ अधिकार मिलते हैं, और ये पहली बार किसने रिकॉग्नाइज किया था? पहली बार किसने कहा था? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसी इसका आधार क्या बना था? अगर देखा जाए ये फंडामेंटल राइट्स जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन है ना, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इसी को थोड़ा बढ़ा दिया गया और यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में ला दिया गया, तो पहली बार यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करूँ तो ये पहली बार फंडामेंटल राइट्स कहाँ दिखाई देता है? मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट,
मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भी दिखाई देता है। फिर एक और कमेटी है, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, तेज बहादुर सप्रू कमेटी, वहाँ पर भी फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। तो ये तो हो गई एक स्टार्टिंग पॉइंट, और हम ये लिख सकते हैं कि अगर मान लो प्रश्न में कहीं से पूछा गया तो एक ये पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में संविधान के क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट्स की बातें की गई हैं। पार्ट 3 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स, और इसमें जो आर्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं वो 12 से लेके और 35 तक दिखाई दे रहा है पूरा। ये पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 12 से लेके 35 तक दिया हुआ है। टेक्निकली अगर देखें, अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की टेक्निकल बात करूँ तो आर्टिकल 14 से लेके 32 तक ये सारी बातें फंडामेंटल राइट्स में दी गई हैं। तो ये तो इसकी स्टेटस हो गई। अब वो वैलिड दावे कौन से हो सकते हैं, सवाल ये है कि वो वैलिड दावे कौन से हैं, किसे माने कि वो वैलिड है, वैलिड डिमांड्स ऑफ पीपल क्या हो सकती है, वैलिड डिमांड्स ऑफ पीपल क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूं कि मुझे शराब पीने का हक है, नहीं। है तभी तो शराब की दुकानें सरकार लाइसेंस देती है। जैसे फॉर मान लो लिकर कंजम्पशन, लिकर कंजम्पशन, समझना ध्यान से कि मुझे शराब पीना है, आई वॉन्ट टू कंजम लिकर, तो क्या इसका अधिकार सरकार देती है, बिल्कुल अधिकार है, तभी तो वाइन शॉप्स को लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि इसको आप पब्लिक प्लेस पे नहीं कंजम कर सकते हो, पब्लिक प्लेस पे प्रोहिबिट है ये। जनरली इसके लिए सरकार ने अधिकार दिया हुआ है, इसके लिए संविधान में भी कहीं रुकावट नहीं है। लिखा है कि राज्य चाहे तो शराब पीने पर रोक लगा सकता है, जैसे कि बिहार की सरकार ने लगाया हुआ था, लेकिन नेशन के लेवल पे ऐसा कोई कानून अभी तक नहीं आया। तो जनरली हम समझते हैं कि वैलिड डिमांड्स क्या होंगे, वो वैलिडिटी कौन तय करेगा, वो सरकार तय करेगी, वो संविधान तय करेगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि मैं बड़ी जाति में जन्मा हूं, इसलिए मैं दूसरों के साथ छुआछूत कर सकता हूं, नहीं। नो, इसके लिए हमें अधिकार नहीं है, छुआछूत का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इसको मान्यता प्रदान नहीं की गई है। अगर मैं कहूं कि मैं अच्छे कुल में जन्मा हूं और इसलिए मुझे उपाधियों को लगाने का अधिकार है, नहीं है। इफ I was born in a elite family, then I would hold the title of Rai Bahadur, Rai Sahab, Raja Sahab, Khan Bahadur. I cannot use these titles. मैं अपने इन उपाधियों को प्रयोग में नहीं ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यह बराबरी के अधिकार के विरोध में हो जाएगा, हर एक व्यक्ति बराबर है। लेकिन अगर मैं मिलिट्री में हूँ और अगर मैं एकेडमिक्स में हूँ तो ये अलाउड है, ब्रिगेडियर, मेजर, सूबेदार, कर्नल, जनरल, ये सारी टाइटल्स को आप लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है मसला? तो बहुत क्लियर है कि ये वैलिड डिमांड्स हैं, इस पे अथॉरिटी किसकी है, स्टेट की है, राज्य, या पॉलिटी में राज्य का मतलब देश, तो स्टेट की है। वो देश की व्यवस्था तय करेगी, संविधान तय करेगा कि कौन सी चीज़ वैलिड है और कौन सी चीज़ वैलिड नहीं है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे बहुविवाह में विश्वास है, तो वो धर्म धर्म के अनुसार होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इस्लाम है तो यहाँ पे अलाउड है, लेकिन अब यहाँ पे भी ट्रिपल तलाक आने के बाद, तलाक के बाद ही शादी हो सकती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि
वाइफ के बिना तलाक दिया आप शादी कर लो, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो पहले से ही लागू था, सिखों में पहले से ही लागू था, समझ रहे हो? तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन अभी तक इस्लाम में के हिसाब से पॉलीगैमी लागू थी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, हिंदू लोग भी, जैसे वंस धर्मेंद्र मैरिड टू हेमा मालिनी, देन दोनों ने इस्लाम अपना के शादी कर ली, क्योंकि टेक्निकली उनकी डिवोर्स नहीं हुई थी अपनी पहली वाइफ से, ठीक है? तो इस्लाम की इस नियम को मिसयूज भी किया गया, इसीलिए अब क्या कर दिया गया है कि पॉलीगैमी के ऊपर एक तरीके से रोक ही है, हर एक धर्मों के ऊपर, या अब तो पॉलीगैमी के ऊपर रोक ही लगा दी गई है, ठीक है? तो जो देश मान्यता अभी तक थी मान्यता, इट्स ओके, अब कानून बन गया तो इट्स नॉट ओके, समझ रहे हो? जैसे मैं कहूँ कि मुझे राइट टू रिलीजियन, राइट टू फॉलो रिलीजियन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सियसनेस, मुझे अपने विवेक अनुसार रिलीजियन को फॉलो करने का अधिकार है, अगर मैं चाहूँ तो मैं रिलीजियन को फॉलो कर सकता हूँ, तो बिल्कुल सही है। मैं आज चाहे हिंदू रहूँ, चाहे मैं मुस्लिम रहूँ, चाहे मैं जिस भी धर्म से जुड़ा रहूँ, ये मेरे ऊपर है कि मैं आगे अपने धर्म को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ या नहीं रखना चाहता हूँ। तो इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, मतलब ये है कि हमारे देश की व्यवस्था इन अधिकारों को मान्यता प्रदान करती है। हमने डिमांड किया कि हमें क्या चाहिए, एक धर्म को मानने का अधिकार चाहिए। धर्म का मतलब ये हो गया कि अच्छी चीज़ों को धारण करना, रिलीजन मीन्स टू अडैप्ट गुड थिंग्स, सेक्रेट थिंग्स इन योर लाइफ, अपनी जीवन में अच्छी चीज़ों को अडैप्ट करना। धर्म क्यों जरूरी है, किसी ने अल्लाह ईश्वर को देखा हो या ना देखा हो, लेकिन अपनी एक मोरल सपोर्ट के लिए, पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए, अपने अंदर, क्योंकि इंसान की मेंटल स्टेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इंसान की मेंटल स्टेट हमेशा एक जैसी नहीं रहती, कभी वो बहुत हाई पे होगा, कभी मिडिल में होगा, और कभी एकदम लो पे होगा। जब परिस्थितियाँ एडवर्स होती हैं तो इंसान अपनी टूट की कगार पे चला जाता है। तो एटलीस्ट उसे ये विश्वास रहे कि कहीं कोई अलमाइटी है, और वो उसमें विश्वास रख ले। तो कई लोग एथेइस्ट होते हैं, उनको नहीं विश्वास होता, कई लोग ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, बिलीफ होता है, फेथ होता है उनका अपने अपने अल्लाह के लिए, गॉड के लिए, ईश्वर के लिए, चाहे जो भी। तो अगर कोई व्यक्ति रिलीजियन को फॉलो करता है, इट्स ओके, आप रोक टोक नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं बल का प्रयोग करूँगा, मैं लालच का प्रयोग करूँगा, मैं थ्रेट का प्रयोग करूँगा किसी को कन्वर्जन के लिए, कन्वर्जन मतलब होता है रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण, तो नॉट अलाउड, क्रॉस माने नॉट अलाउड, क्योंकि इसको मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। जैसे ईसाई मिशनरीज या क्रिश्चियन मिशनरीज करती हैं ऐसा मोस्टली, वो ग्रीड का प्रयोग करते हैं, सरकारी नौकरियां दे देंगे, या जैसे पैसे बांट देंगे, या उनको लालच दे देंगे, घर दे देंगे, और इसके आधार पे वो बहुत सारे क्षेत्रों में रिलीजियस कन्वर्जन्स कराते हैं, जैसे झारखंड के क्षेत्र में, जैसे जो ट्राइबल बेल्ट है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, ऐसे जो भी ट्राइबल क्षेत्र हैं नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों में, भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, इन सब क्षेत्रों में वो लगातार कन्वर्जन्स कराते हैं। तो अगर अथॉरिटीज़ को ये पता लगा, या किसी भी व्यक्ति को पता लगा कि देर इज़ अ यूज़ ऑफ ग्रीड टू कन्वर्ट पीपल फ्रॉम वन रिलीजियन टू अनदर रिलीजियन, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, इट इज़ कंसीडर्ड एज एन इलीगल एक्टिविटी, इसे एक इलीगल एक्टिविटी के रूप में माना जाएगा और ये सही नहीं माना जाएगा। बहुत क्लियर सा ये सिद्धांत और विचार है। तो बातें हमारी वही हो रही है कि कौन सी चीज़ वैलिड है और कौन सी चीज़ वैलिड नहीं है, इसे कौन तय करेगा, स्टेट तय करेगा, और स्टेट में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वही तय करते हैं कि कौन सी चीज़ें सही हैं या नहीं है। स्टेट के ऑर्गन्स की बात करें तो स्टेट में तीन ऑर्गन्स होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है, और ये सारे एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत काम करते हैं। ऑल दी ऑर्गन्स ऑफ स्टेट्स आर वर्किंग अंडर ए सुप्रीम कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
प्राइमरी फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू फॉर्मुलेट लॉज एंड नेक्स्ट फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू फॉर्मुलेट फ्यू माइनर लॉज एंड इम्प्लीमेंट लॉज एपेक्स बॉडी टू इम्प्लीमेंट लॉज दैट इज एग्जीक्यूटिव एपेक्स बॉडी टू फॉर्मुलेट लॉज दैट इज लेजिस्लेचर एंड इफ देर इज ए if there is a violation of constitutional provision in framing laws or enacting laws by these institutions then judiciary will review it kya karegi jo nyayapalika hai ise review karegi bahut seedha sa siddhant hai theek hai to ye sab kaun jaanch karega kya valid hai jaise ek mudda utha ki aadhar ko compulsory kiya jaye ya nahi kiya jaye bahut sari cheezon ke liye keh diya gaya ki aadhar har cheez ke liye compulsory hoga theek hai तो ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में इसे उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा उठाया गया तो वहाँ पे ये बात यही हुई कि जब भारत जैसे देश में सरकार ये कहती रही 2012 में पहली बार मुद्दा उठा था और एक जज थे केस पोट्टा स्वामी इन्होंने केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या केस फाइल किया कि इन ए कंट्री लाइक एज इंडिया विच इज़ नॉट वेरी डेवलप्ड वेयर पीपल आर मोस्टली अनएम्प्लॉयड लिविंग अंडर पॉवर्टी ट्रैप यू कांट आधार मेक इट कंपल्सरी ऐसा उन्होंने डिमांड की थी कि आप भारत जैसे पिछड़े हुए देश में जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है लोगों के पास अज्ञानता है गरीबी है बेरोजगारी है वहाँ पे आप आधार जैसी चीज़ों को कंपल्सरी नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत सारा बहस किया और 2017 में यह फैसला दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है ना वो भी मौलिक अधिकार है तो देखो कन्फ्यूजन था एग्जीक्यूटिव कह रही थी कि राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई राइट नहीं होती है पुट्टा स्वामी ने क्या कहा वो खुद जज थे रिटायर्ड जज उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर में जो दावा किया कि विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहाँ राइट टू प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ होती है आज की डेट में जब हमारी हर एक जानकारी सोशल मीडिया के ऊपर उपलब्ध है हर एक जानकारी उपलब्ध है हमारे बारे में कोई जानना चाहे तो लमसम अनुमान लगा सकता है क्यों अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपके बारे में लमसम अनुमान लग सकता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं आपकी कमेंट्स है आपकी सोच से आपकी राइटिंग्स से लोग लिखते रहते हैं अपडेट रहते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं नहीं अगर मान लो किसी के व्यक्ति के बारे में गूगल में सर्च करना चाहो ठीक है कोई भी व्यक्ति हो जो थोड़ा एक्टिव हो सोशल मीडिया पे एक्टिव माने कि कुछ प्रोफाइल बना रखी हो या यूट्यूब पे एक्टिव हो या कहीं ईमेल बना रखा हो तो जैसे उसका नाम डालोगे तो आ जाएगा क्या गूगल सर्च करोगे तो उस नाम के जितने भी लोग होंगे वो आ जाएंगे जो उसमें सबसे अधिक फेमस होगा या होता जा रहा है उसका नाम सबसे पहले गूगल सजेस्ट करता है गूगल एक सर्च इंजन है जितनी बार किसी व्यक्ति का नाम यूज किया जाएगा गूगल पे वो अपने आप एल्गोरिदम बेस्ड होता है एल्गोरिदम बेस्ड मतलब कि वो गणितीय व्यवस्था पर आधारित है और उसमें क्या होगा वो जितनी बार उस व्यक्ति का नाम होगा अपने आप वो ऊपर की सर्च में दिखाता जाएगा जैसे मान लो कि आपके सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं फॉर एग्जांपल क्योंकि आप लगे हुए 5 साल से उसी में तो अगर 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए आपके तो अपने आप गूगल सर्च में आप टॉप की लिस्ट में आ जाओगे ठीक है क्लियर है मसला तो आज की डेट में जैसे देखो हमसे जब हम व्हाट्सएप का अपना प्रोफाइल बनाते हैं फेसबुक का प्रोफाइल बनाते हैं ईमेल का प्रोफाइल बनाते हैं हर चीज़ आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल है इवन सरकार भी हमसे आधार के नाम पे बहुत सारी जानकारी ले लेती है तो आज की डेट में हमारे प्रोफाइल का मिसयूज़ होने की संभावना तगड़ी है क्या टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो उसमें हमारी प्रोफाइल का कोई मिसयूज़ कर सकता है अगर सब कुछ आधार से लिंक कर दोगे तो उसके खतरे ये हैं कि उन जानकारियों का उपयोग करके कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकता है जैसे अभी अभी किसी ने कहा कि भाई अब तो सिम ऐसा आ गया है कि बेसिकली मतलब वो अपने आप उसमें से पैसा कट हो जाएगा स्कैनिंग के थ्रू जैसे मान लो कि आपने अभी क्या करते हो कि POS मशीन में कार्ड स्वाइप करते हो पॉइंट ऑफ सेल मशीन में कार्ड स्वाइप करते हो फिर पिन कोड डालते हो फिर
वो रीड करता है मैग्नेटिक टेप की जानकारी एंड देन प्रोसेस्ड होता है पूरी व्यवस्था। लेकिन अब ये आ गया वाईफाई सिम, उसमें कुछ नहीं करना होगा। वो जैसे ही आपने मान लो एक बार पासवर्ड डाल दिया तो कनेक्टेड दिखाएगा। मान लो कि वहाँ पे कनेक्टेड हो सकता है आपकी जानकारियों को कॉपी कर ले, कई बार ऐसा हुआ है ऑलरेडी, वो सेव कर ले आपकी जानकारी को, ये भी तो है ना, सेव करके रख ले और बाद में यूज करता रहे तो विड्रॉ तो होता रहेगा ना पैसा। तो आज की डेट में हमारी जानकारियों को यूज करना ज़्यादा आसान है क्योंकि हम सोशल मीडिया के युग में रह रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार को कंपलसरी बनाया जाए या नहीं, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से बेंच बैठा दी है। वो 5 मेंबर्स की बेंच होगी, माने 5 जज होंगे जो उस पे डिसीजन करेंगे। तो अभी आधार कंपलसरी बने या नहीं इसको लेके तो अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये ज़रूर कह दिया कि किसी भी सर्विस को आप एकदम से कंपलसरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है ना, आप ये बोल के कि भारत में बहुत गरीबी है, भुखमरी है, तो राइट टू प्राइवेसी जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो सरकार कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं अपने को या अपनी बातों को किसी हद तक गोपनीय रखना चाहता हूँ तो ये मेरा अधिकार होना चाहिए। सरकार कह रही थी कि हम व्यक्ति के बारे में हर एक चीज़ जाने क्योंकि इस देश के अंदर वो रह रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। अगर हमारी सारी जानकारी सरकार के पास होगी तो जो जिसकी सरकार होगी क्या हमारी जानकारियों का उपयोग वो अपने वोट के बदलाव में नहीं करेगा? जैसे अगर उसे पता हो कि हमारे पास कितना पैसा जमा है तो हमें धमकी दिलवा के और वो नहीं कह सकता कि वोट हमें ही देना। अगर उसको सारी जानकारियाँ पता हो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मान लो मैं एक फेक प्रोफाइल बनाता हूँ, ठीक है, और मैं एक फेक प्रोफाइल बना के और कुछ हिडन से काम करता हूँ, ठीक है, जैसे मैं हिडन चैट करता हूँ और ये जानकारी कहाँ चली गई, सरकार के पास चली गई, तो क्या सरकार मुझे डरा धमका के, जैसे जो पॉलिटिशियंस हैं, क्या उन्हें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का धमकी दिला के और क्या उनको अपने पाले में नहीं लाती है सरकार? चाहे सरकार जिसकी हो, वो सीबीआई का प्रयोग, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का प्रयोग, डायरेक्टरेट का प्रयोग, जो ईडी है, या जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रयोग करके क्या सरकारें अपने पक्ष में पॉलिटिशियंस को नहीं मोड़ लेती हैं? क्या मोड़ती है ना, तो क्या हमारी प्राइवेट जानकारियों का प्रयोग करके सरकार क्या लोकतंत्र की इसेंस को प्रभावित नहीं कर सकती है? मैंने मूल आत्मा को क्या प्रभावित नहीं कर सकती है? हमारी हमको धमकियां नहीं दी जा सकती हैं। इवन कहा गया कि 2014 के और 2019 के भी इलेक्शन में, खास करके 2019 के इलेक्शन में इसका प्रयोग हुआ। सरकार के पास जितनी भी जानकारियां थी लोगों से संबंधित, क्योंकि हमारे पास 1.65 बिलियन लोगों का बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध है सरकार के पास, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कहाँ रहता है, कौन किस प्रकार का जॉब कर रहा है, किसके पास कैसी संपत्ति है, किसकी उम्र क्या है, समझ रहे हो, किसकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, बहुत सटीक एक आंकड़ा सरकार के पास उपलब्ध है। तो सरकार ने लगभग 265 कॉल सेंटर बनाए थे जिसमें हजारों लोग थे और उनके पास सारे सरकारी डेटा उपलब्ध थे, तो लोगों से वो कॉन्टैक्ट कर रहे थे कि एक ही पार्टी को वोट दें। तो क्या इससे डेमोक्रेसी प्रभावित नहीं हो रही है? हो रही है। तो इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी भी एक तरीके की होनी चाहिए। और हम अपनी निजी जिंदगी में क्या करते हैं इसका कोई सार्वजनिक जीवन से लेना देना नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ऐसे भी मुद्दे उठे, जैसे कहा गया कि राइट टू एजुकेशन को आपने आर्टिकल 21 में, वैसे राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल 21 में ही है, 21A में राइट टू एजुकेशन का मुद्दा उठा दिया गया जिसे आप शिक्षा का मौलिक अधिकार कहते हो। तो ये भी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2002 में जोड़ा गया संविधान में आर्टिकल 368 के अंतर्गत, ठीक है। अब राइट टू एजुकेशन को लेके बात तो ठीक है कि किसी भी देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर करता है और किसी भी राष्ट्र का भविष्य भी बच्चों पर ही निर्भर करता है। बच्चे पढ़े लिखे होंगे, स्ट्रांग होंगे, सशक्त होंगे तो ज़्यादा बेहतर बनेंगे। जैसे कहा गया कि अभी मैं देख रहा था कि केबीसी में जो लास्ट एपिसोड था उनका, केबीसी का, तो उसमें
इन्फोसिस की जो डायरेक्टर हैं, मतलब जो फाउंडर मेंबर मान लो सुधा मूर्ति, जो नारायण मूर्ति हैं उनकी वाइफ, तो उनको बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा कि जब वो कहीं जाती हैं सोशल वेलफेयर के लिए, बहुत सारे काम करती हैं वो, मतलब सारे बिलियनेयर ऐसे नहीं होते, सारे करोड़पति ऐसे नहीं होते, तो वो बहुत सारे सोशल वेलफेयर के काम करती हैं। तो उन्होंने कहा कि जब कहीं जाती हैं वो, मतलब बाई प्रोफेशन शी इज़ टीचर और बहुत डाउन टू अर्थ हैं, उतना ज़्यादा पैसा होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ होना ये अपने आप में कमाल की बात है। खैर नहीं, लोग IPL की टीम में पैसा लगाते हैं और दिखावे में पैसा लगाते हैं, शानो शौकत में पैसा लगाते हैं। भारत में ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो अंबानी जैसे, जो अभी फोर्ब्स की लिस्ट में अंबानी की संपत्ति में वृद्धि हुई है। ये कमाल की बात हो रही है कि भारत गरीब होता जा रहा है, इकोनॉमी गिरती जा रही है और अंबानी और पे और अमीर होते जा रहे हैं। कौन सा कॉन्ट्रास्ट है भाई। फोर्ब्स की जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें अंबानी दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं $61 बिलियन के साथ। $1 बिलियन में लगभग 7,000 करोड़ रुपए होते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो लगभग 4.25 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति हो गई है। अंबानी की संपत्ति में हाल फिलहाल में कम से कम 2 गुने की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि कहाँ से हो रही है? अंबानी की संपत्ति पहली ऐसी भारत की कंपनी हो गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट पे कंट्रोल, मतलब 10 लाख करोड़ रुपीस का हो गया है। तो भारत गरीब होता जा रहा है, आम लोग गरीब होते जा रहे हैं, आम लोग की ज़िंदगी उतनी बेहतर नहीं हो रही है और कुछ लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रास्ट कहाँ से पैदा हो रहा है? इसका मतलब ये है कि आप सरकारों का मिसयूज़ कर रहे हो, आप सरकारों का मिसयूज़ कर रहे हो, अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बनवा रहे हो, यही हुआ ना। तो बहुत क्लियर कट है। नहीं देखो, देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो बिजनेसमैन भी आगे बढ़ रहा है, इट्स ओके। लेकिन कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग एकदम पीछे जा रहे हैं, यही तो आरोप है ना इस ग्लोबलाइजेशन पे, कि अमीर अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब होता जा रहा है, यही तो आरोप है। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बिलियनेयर भी हों, जैसे अजीम प्रेम जी सबसे बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। फिलेंथ्रोपिस्ट मैंने ऐसा करोड़पति अरबपति व्यक्ति जो अपनी संपत्ति को दान दे दे, जैसे विदेशों में वॉरेन बफे है, जैसे इवन मार्क जुकरबर्ग ने भी अपनी संपत्ति दान दी हुई है, बिल गेट्स ने भी अपनी संपत्ति दान दी हुई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब भी वो कहीं जाती हैं तो उनसे लोग कहते हैं कि आप तो इतना, आपकी तो बहुत बड़ी हवेली है और आप वहीं पे हमें काम पे रख लीजिए या कहीं काम दिला दीजिए या मेरे बच्चों को रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे काम नहीं दूंगी, मैं बस एक काम कर सकती हूँ कि मैं शिक्षा आपको उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था कर सकती हूँ। उन्होंने अभी कई सारे, जैसे वो उस जमाने में इंजीनियर थी जबकि महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था, 1961-62 के समय वो शी पास्ट इंजीनियरिंग, फर्स्ट इंजीनियर, वुमेन इंजीनियर ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट। और वो ये भी कहती हैं कि जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने गई तो घर में खूब जम के विरोध हुआ, लेकिन उनके पिताजी और माताजी ने समर्थन किया, क्योंकि घर में लोग कह रहे थे कि अगर लड़की इंजीनियर बन जाएगी तो उसकी शादी कैसे होगी, क्योंकि लड़के कम पढ़े लिखे हैं, ये भी दिक्कत थी। जब वो कॉलेज में पढ़ने गई तो 600 बच्चों में से इंजीनियरिंग के 599 लड़के थे और एक लड़की थी। तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि, और उनके हाइएस्ट मार्क्स थे एंट्रेंस में, तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा कि भाई आप साड़ी पहन के आओगे, पहली शर्त ये होगी, और लड़कों से बात नहीं करोगे, दूसरी शर्त ये होगी। तो उन्होंने दोनों शर्तें मान ली। जब वो एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो वो उन्होंने टॉप कर लिया, ठीक है। फिर से वो कॉलेज में भी टॉपर थी तो उनको अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप मिली, उस जमाने में पढ़ने के लिए अमेरिका के लिए स्कॉलरशिप मिली। तो बाद में फिर धीरे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो एज अ वुमेन जो समस्याएं फील की, तो उन्होंने हज़ारों स्कूल बनवाए, कितने लोगों की सहायता की, अभी भी कर रही है, ठीक है। तो वो कहती है कि सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा। उन्होंने कहा कि मैं भी एक एवरेज बैकग्राउंड से थी और इन्फोसिस की स्थापना करने के लिए उन्होंने अपनी गुल्लक से 10,000 रुपये निकाल के दिए थे। उस जमाने में उनकी सैलरी थी उस जमाने में 1500 रुपये, और उस समय नारायण मूर्ति बेरोजगार थे, उनके पास कोई काम नहीं था, तो उनके पास पैसा भी नहीं था। तो मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ कि शिक्षा वो अधिकार है जो व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति दे देता है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पैसे की दिक्कत हो सकती है
ये हो सकता है कि आप कभी समस्याओं में फंस सकते हो, लेकिन अगर आप शिक्षित व्यक्ति हो तो उससे निकलने का रास्ता जान लोगे। क्यों? कुछ ना कुछ तो तरकीबी लगा ही लोगे, कुछ ना कुछ तो काम कर ही लोगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति हर एक समय सफल नहीं हो सकता। जैसे हमारे पॉलिटिशियंस को ही देखो, कभी चुनाव जीतते हैं कभी हार जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। कभी कोई प्रधानमंत्री है कभी पूर्व हो जाता है, तो ये तो डिपेंड करता है। खैर, तो राइट टू एजुकेशन को लेके समस्याएं बनी हुई हैं। राइट टू एजुकेशन को लेके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं? तो अब इसको बना तो दिया गया संवैधानिक अधिकार, कह दिया गया कि भाई राइट टू एजुकेशन मिलेगा, लेकिन देखो स्कूलों का रखरखाव ठीक नहीं है, मिड डे मील में अजीबोगरीब सूचनाएं आती हैं। फिर से एक सूचना ही है कि यूपी में 1 लीटर दूध 81 बच्चों में बांटा जा रहा है। तो ड्रॉप से पिलाते हैं क्या मिड डे मील के अंतर्गत में? तो अब इस तरीके की एब्सर्ड न्यूज आएगी है। जैसे बिहार में ऐसा हुआ कि विटामिन ए की कमी की सूचना बिहार सरकार को लगी, तो उसने विटामिन ए का डोज इतना बढ़ा दिया कि 24 बच्चे विटामिन ए की अधिकता से उनका देहांत हो गया। कई बार हम सुनते हैं कि मिड डे मील में किसी ने अगर कहा कि इसमें अंडे और मछली बांटी जाएगी तो उसका इस आधार पर विरोध होता है कि भारत एक शाकाहारी राष्ट्र है, इसलिए इसे मांसाहार नहीं देना चाहिए। ये कौन सा विरोध है? ये समझ से परे है। दूसरी बात कि कई जगहों पर ऐसा आता है कि छिपकली मरी हुई मिली, कई जगहों पर मिड डे मील के नाम पर हफ्ते भर खिचड़ी बन रही है। तो शिक्षा को मौलिक अधिकार तो बना दिया गया, लेकिन जो इस अधिकार को लागू करने में चुनौती है, जैसे हम स्कूलों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, कई जगह पे केवल एक ही टीचर है जो प्यून भी है, प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है, और खुद बुला के लाएगा बच्चों को कि चलो टाइम हो रहा है स्कूल का, उनके घर जा जाके पहले ही सूचना देता है 6 बजे से अपने अपने बच्चों को भेज देना है। समस्या, एक रसोईया रहेगा, एक वो रहेगा, वही खाना बनवाएंगे, वो प्याज भी काट रहा है बेचारा, सारा कुछ काम देख रहा है, बिल्डिंग की जो है हालत जर्जर है, कई जगहों पे पेड़ों के नीचे क्लास लग रही है, कई जगहों पे टीचर्स जाते ही नहीं है, कई जगहों पे अगर गर्ल चाइल्ड है तो सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, अगर टॉयलेट है तो फंक्शनल नहीं है, साफ़ सफाई या हाइजीन की व्यवस्था नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाओं की कमी के रहते हुए ऊपर से आम लोग गरीब हैं, तो अगर गरीब व्यक्ति है और उसके बहुत सारे बच्चे हैं तो स्कूल में कैसे भेजेगा वो? क्योंकि गरीब आदमी तो सोचता है कि बच्चे अगर दो चार की चाय की दुकान पे या होटल वोटल में कुछ छोटा मोटा काम कर लें तो उनको कुछ पैसा मिल जाएगा बनिस्पत कि वो स्कूल जाएं। तो राइट टू एजुकेशन को लागू तो कर दिया। मैं इसी जोड़ के सवाल बता रहा हूँ, ये सब सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। कैसे सवाल? अभी यही कि वास्तव में क्या हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या वास्तव में भारत में रूल ऑफ लॉ है? तो आपको एग्जाम्पल सहित समझाना होगा कि रूल ऑफ लॉ है कि नहीं है। पूछा क्या भारत में इक्वालिटी है? तो एब्सोल्यूट इक्वालिटी कहीं भी नहीं होती। हाँ, कि 100% कोई चीज़ नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं। जैसे हमारे मौलिक अधिकारों में ये भी कहा गया कि बच्चों का और महिलाओं का अगर देखा जाए तो उनको एक शोषण ना हो, और अगर इन सब मामलों में कोई दिक्कत हो तो आप किससे संपर्क करो? सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करो, आर्टिकल 32, उसमें बहुत सारी रिट को जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है, तो इसी संबंधित मोस्टली प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? वो होगा कोई करंट अफेयर का मसला। पूरे पॉलिटिकल साइंस में प्रश्न कहाँ से पूछे गए? एक तो बुनियादी समझ हो फंडामेंटल राइट की, जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि अगर मैं कहूँ कि फंडामेंटल राइट क्या है, तो फंडामेंटल राइट एक शब्द में भारत के लोगों के वह वैधानिक दावे हैं जिस पे भारत का संविधान यह गारंटी देता है कि हम इन अधिकारों को आपको प्रदान करेंगे, लेकिन उस पे एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी होगा, एक युक्तियुक्त निर्बंधन भी होगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन माने कि भाई मान लो कि अगर मुझे यह है अधिकार कि मैं अपना धर्म मानूं, लेकिन मुझे ये अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे के धर्म की बेइज्जती कर दूं, समझ रहे हो? मैं अगर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं हिंदू होने पे गर्व करता हूं,
तो मुझे इस बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि कोई मुस्लिम होने पे गर्व कर ले, कोई सिख होने पे गर्व कर ले, कोई क्रिश्चियन होने पे गर्व कर ले। और भारत के जो सेंटिमेंट्स रहे हैं, जो इतने साल का ट्रेडिशनल कंपोजिट कल्चर वाला जो हमारा इवोल्यूशन रहा है, एक डेवलपमेंट रहा है, उसमें भी तो यही बात रही है ना। भारत में हजारों सालों से हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा के लोग, हर एक क्षेत्र के लोग अगर मिलजुल के शांति से रहते आए हैं, तो फिर किसी को इसको तोड़ने का हक नहीं होना चाहिए। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग इन भावनाओं को भड़का के राजनीति करते हैं, उनका भी अपना स्टैंड यही है, लेकिन अपने फायदे के लिए केवल भावनाओं को भड़का देते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार बनी है वो कट्टर सांप्रदायिक पार्टी है, कम्युनल पार्टी है, जो खुल के हिंदू राष्ट्र का नारा लगाती है, ठीक है, और वो कहती है कि भारत में मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं है। और अचानक से रातों रात 30 साल से पार्टी जिस आइडियोलॉजी पे काम कर रही थी और अपने को शिव सैनिक कहते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के दूत कहते थे, और वो ये भी मानते हैं कि छत्रपति शिवाजी से मुगल डरे हुए थे, तो जैसे छत्रपति शिवाजी ने मुगलों को परेशान किया था, वैसे हम भारत के मुसलमानों को परेशान करेंगे। होंगे कुछ नहीं, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते थे, ठीक है। और वही शिवसेना 30 साल से जिस आइडियोलॉजी को लेकर चल रही थी, रातों रात सरकार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन जाता है 3 पार्टियों के बीच में, और अगले दिन उद्धव ठाकरे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं तो सर्वधर्म सद्भाव का सबसे बड़ा, और मेरी नज़र में तो सभी धर्म और सभी जातियां बराबर हैं, और मैं आज से पूरी कोशिश करूंगा कि हिंदुओं को फायदा पहुंचे चाहे नहीं, मुस्लिमों को जरूर पहुंचे। कहने का मतलब यही है, रातों रात कौन सी आइडियोलॉजी चेंज कर ली आपने, इसका मतलब आपकी आइडियोलॉजी नहीं थी वो, आप बस एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहे थे, बस पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे थे, समझ रहे हो। तो चाहे, क्योंकि आइडियोलॉजी तो चेंज होती नहीं है, तो जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के चक्कर में हम इतनी सारी लड़ाइयाँ करते हैं आपस में, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, वो कब पलट जाएंगे इसका आपको पता नहीं है, तो फिर लड़ने का क्या फ़ायदा है। और मुझे इस बात में भी बहुत आश्चर्य नहीं है कि किस परिस्थितियां और समय बना तो असदुद्दीन ओवैसी भी भाजपा को समर्थन न कर दे। ऑब्वियसली माहौल ऐसा बना हुआ है कि पता नहीं कौन सी पार्टी किसका समर्थन करेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। वो कहेंगे कि मुस्लिमों का हित ठीक वैसे ही मैं करवाऊंगा जैसे शाहनवाज हुसैन साहब करवाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, खैर, तो इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, ठीक है। अब सवालों के पूछने का दायरा करेंट अफेयर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हमें क्या क्या मुद्दे देखने पड़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लो फंडामेंटल राइट वाले इशू को हमें डील करना है, तो हमें फोकस एरिया कहाँ पर रखना होगा, हमारा फोकस एरिया कहाँ पर रहेगा। पहला तो रहेगा कि करेंट इश्यूज, वर्तमान के मुद्दे, करेंट इश्यूज। अच्छा बताओ, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा इशू है करेंट का जो चर्चा में बना हुआ है। एक तो विमेन सिक्योरिटी, विमेन सिक्योरिटी फंडामेंटल राइट्स है, ट्रिपल तलाक पे तो सीधे कोई प्रश्न पूछने की संभावना नहीं है, क्योंकि देखो उस पे, इस पे क्या है ना कि पूछे तो लिख सकते हो, देखो हर एक चीज़ का पक्ष होता है और हर एक चीज़ का विपक्ष होता है। अगर किसी भी मुद्दे को एनालाइज करने के लिए आपसे पूछे, किस पे, अभी देखो, किसी भी मुद्दे को आपको पक्ष और विपक्ष में दिखाना है। पहली बात तो ये है कि अगर मैं इसका अपोजिशन करूं, ट्रिपल तलाक का अपोजिशन करूं कि ये बिल नहीं आना चाहिए था,
तो पहला सवाल ये है कि जो ट्रिपल तलाक की ट्रेडिशन है वह एक तो देखो कुरानिक टेक्स्ट में तो नहीं है, लेकिन शरीयत के नियमों में लिखा गया है। दूसरी चीज़ कि शरीयत में कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर आप मौखिक रूप से भी बोल दो तो तलाक हो जाएगा, समझ रहे हो? ये नियम कानून के तहत है कि जैसे जब शादी हुई थी तो जितना कुछ होगा ना वो लौटाना भी पड़ेगा, जितना लेन देन हुआ था वो लौटाना भी पड़ेगा अगर आप तलाक दे रहे हो तो। लेकिन क्या है कि जो तलाक के इंटरप्रटेशंस किए गए मौलाना और मुफ्ती और जो मौलवी लोगों ने किया, उसका रॉन्ग इंटरप्रटेशन कर दिया, समझ रहे हो? जैसे हमारी हिंदुइज्म में बहुत सारे नियम हैं जिसको हम रॉन्गली इंटरप्रेट करके पंडितों द्वारा सुनते हैं या ज्योतिषियों द्वारा। तो क्या वो धर्म सही है जो ज्योतिषी बता रहा है, या वो धर्म सही है जो वहाँ पे मूल रूप से दिया गया है? कुरान कुछ दूसरा है और जो हम तक पहुँचता है वो कुछ दूसरा है, क्योंकि किसी को आज के डेट में कौन पढ़ने की जहमत उठाता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए रिसर्च स्कॉलर हैं आज की डेट में। आजकल समय किसी के पास नहीं है, हर कोई तेजी में है। देखो सिविल्स में भी बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका सवाल कब क्या होता है, ख़त्म नहीं हो रहा है कोर्स, नहीं ख़त्म हो रहा है, एक महीने में ख़त्म कर दो, 15 दिन में ख़त्म कर दो, बोलते ही ख़त्म कर दो। सवाल ये है कि किसी के पास पेशेंस नहीं है, और किसी भी बड़े काम के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप डील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेंटल अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, किसी भी काम में मेंटल अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। तो अप में तो चलो ठीक है, जब उत्साह बहुत हावी है और हाई है तब तो आप काम कर ले जाओगे, लेकिन जब डाउन में चल रहा हो तो कैसे करोगे अगर मेंटली डिग्रेडेड हो तो पेशेंस नहीं है। तो हमारे पास इतना पेशेंस नहीं है कि हम बैठ के कुरान पढ़े, हम बैठ के गीता पढ़े और ये सब पढ़े, ठीक है? और उसका फ़ायदा कौन उठा लेता है? इंटरप्रेटर्स, जो उसकी व्याख्या करने वाले लोग हैं, अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। वो ये दिया है, ये दिया है, आतंकवादी अलग व्याख्या कर रहा है, मौलवी अलग व्याख्या कर रहा है, शरीयत कुरान की अलग व्याख्या कर रहा है, समझ रहे हो? लेकिन ओरिजिनल कुरान में क्या दिया है ये तो किसी ने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, जो स्कॉलर लोग होते हैं। देखो जो ओरिजिनली सब धर्म पढ़ ले, जैसे APJ कलाम जैसा, तो उसको लगेगा कि यार ये सब कुछ तो एक ही है, ये बेमतलब की बात हुई, कुछ भी अलग अलग नहीं है। क्यों? जैसे इस्लाम में कहा गया कि ईश्वर दिखते नहीं है, वो तो हर जगह है, तभी तो हम अजान क्यों पढ़ते हैं? सब कुछ वो चारों ओर हैं, अल्लाह कहाँ है? चारों ओर है, हर जगह है। तो क्या हिंदुइज्म में ये नहीं कहा गया है निराकार ब्रह्म, कणकण में भगवान? सेम चीज़ है, बस उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया गया, लेकिन लड़वाने की कोशिश की जाती है अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके। तो यहाँ पे इसका अपोजिशन भी लिख सकते हो और इसका पक्ष भी लिख सकते हो। यहाँ पक्ष में विमेन एम्पावरमेंट लिख दोगे, विमेन एम्पावरमेंट लिख दोगे कि महिलाओं को थोड़ा सा बेहतरी की स्थिति बनेगी, इनकी स्थिति ठीक होगी घरों में, समाज में, और अपोजिशन में लिख दोगे कि कॉन्सेंसस करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? कॉन्सेंसस करना चाहिए था, कुरान की और शरीयत की ठीक से जांच करनी चाहिए थी कि वहाँ पर लिखा गया है क्या है। एलिगेशन लगाने की बजाय क्या करना चाहिए था? देखा जाना चाहिए था कि वहाँ क्या लिखा गया है एग्जैक्टली, ठीक है? तीसरी बात कि इसमें जो एक होता है ना कि इसमें एक रॉन्ग सा संदेश गया कि सरकार ने एक तरफा कार्रवाई को प्रमोट कर दिया। देखो कोई भी देश कब चलता है? जब कॉन्फिडेंस में लेके काम किया जाए। कॉन्फिडेंस मतलब कि कोई लॉज लाने जा रहे हैं, जैसे हम ट्रैफिक रूल्स बनाने जा रहे हैं, तो ट्रैफिक रूल्स बनाने से पहले क्या जागरूकता अभियान चलाना चाहिए था? सडनली किसी नियम को लागू कर देने से पैनिक का माहौल बनता है, सडनली किसी नियम को लागू कर देने से भ्रम की स्थिति बनती है, उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठाते हैं। एक न्यूज़ छपी थी कि एक पोर्श जो गाड़ी है, व्हीकल है, वो 2-3 करोड़ की मिलती है, तो कोई व्यक्ति उसी दिन खरीद के, और नंबर प्लेट उसी दिन उपलब्ध नहीं हुआ होगा, ट्रैफिक पुलिस ने 10 लाख का चालान काट दिया।
इसका मतलब ये है कि आप व्हीकल देख के और गाड़ी देख के चालान काटोगे। अमर्त्य सेन ने, अच्छा एक और बात है, इसकी कोई आलोचना भी नहीं करेगा क्योंकि गरीब लोगों को इसमें मजा आता है कि अमीर के ऊपर फाइन लगे। अमर्त्य सेन ने कहा था जब डिमोनेटाइजेशन लग रहा था, जब विमुद्रीकरण लग रहा था, तो अमर्त्य सेन ने कुछ बातें कही थी और वो बात एकदम सिद्ध हुई। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे कि चुनाव में बड़ा सरकार को नुकसान होगा क्योंकि इससे लोग बहुत परेशान हुए हैं। तो अमर्त्य सेन ने एक बात कही थी कि इस डिमोनेटाइजेशन के कारण सरकार को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमीर का दुख और गरीब का सुख होता है। वो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां आपके घर में बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है और किसी करोड़पति के बंगले की लाइट 2 दिन से कटी हुई है। भले आपके यहाँ 10 दिन से लाइट ना आ रही हो लेकिन वो 2 दिन से बंगले की लाइट कटा देख के आप खुश महसूस करोगे। तो डिमोनेटाइजेशन में जो आम धनी व्यक्ति थे, एक तो एकदम गरीब होता है जो 10-15 हज़ार में अपनी ज़िंदगी कटा रहा है और एक जो 2-4 लाख कमाता है, 10 लाख कमाता है, तो जब वो परेशान हो रहा था ना तो कई, अच्छा मैंने भी कई लोगों से पूछा जो एवरेज तबके के जैसे ठेले वाले, खोमचे वाले, सब्जी वाले, कि बताओ भाई डिमोनेटाइजेशन कैसा लग रहा है तुम्हें, तो वो कहते कि बहुत बेकार है, ज़िंदगी जहन्नुम हो रखी है। मैं कहता कि तब वोट किसे दोगे, कहते बीजेपी को देंगे। मैं पूछता क्यों, कहते मजा आ गया, हवेली वाला भी परेशान होकर घूम रहा है, रियलिटी। तो मुझे अमर्त्य सेन का ये स्टेटमेंट याद आया कि अमीर का दुख व गरीब का सुख होता है। तो सरकारें इतना मास्टरली काम करती हैं कि उसका प्रभाव हो चाहे ना हो, गरीबों को ये फील हुआ कि उनके लिए काम हो रहा है क्योंकि अमीरों को परेशान किया जा रहा है। टेक्निकली अमीर कभी परेशान होता ही नहीं है। सुना होगा कि बैंकों के जो लोग थे कर्मचारी, वो खुद ही अमीरों का पैसा खुद ही पहुंचा के आ रहे थे। कितने सारे बैंक के बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी उस नोटों की हेराफेरी में पकड़े गए थे। नहीं, एक्सिस बैंक के ऊपर तो कार्रवाई बैठी हुई थी, एक्सिस बैंक के ऊपर तो पूरी की पूरी जांच बैठी हुई। तो हर एक चीज़ का एक पक्ष होता है, एक अपोजिशन होता है, फिर अंत में एक कॉन्क्लूजन भी होता है। कॉन्क्लूजन ये है कि देखो, बहुत क्लियर सी बात है कि जो ट्रेडिशनल रूल्स हैं या कोई भी व्यवस्था है वो कैसे आनी चाहिए। ट्रिपल तलाक पूछेगा नहीं, ये बहुत डिस्प्यूटेड मसलों को नहीं उठाया जाता है। जैसे देखो अयोध्या मंदिर, इस पे सवाल पूछे जाने की संभावना कम है। इंटरव्यूज़ में पूछ ले अलग बात है, पर्सनालिटी टेस्ट में पूछा जाए वो अलग बात है, लेकिन ये मेन सोन्स में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि अयोध्या विवाद पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर समीक्षा लिखिए। नो वन विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस इश्यू। हाँ, आपसे पर्सनालिटी टेस्ट में ये जरूर पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो 5 सदस्यों की बेंच थी जिसने कि ये फैसला दिया, वो कितना सही कितना गलत, आपकी व्यूज़ क्या हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो आप अपनी ओपिनियन को दे सकते हो, ओपिनियन जस्टिफाइड होनी चाहिए, ओपिनियन बुद्धिमानी पूर्वक होनी चाहिए, तो उस पर काम चल जाएगा। तो फंडामेंटल राइट पे पहला तो करंट इश्यूज़ को कवर करो। जैसे फॉर एग्जांपल सबरीमाला में विमेन एंट्री को लेके, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अलाउड है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि सबरीमाला में जो महिलाएं जा रही हैं उनके, वो उनके ऊपर रंग फेंक दे रहे हैं, इंक फेंक दे रहे हैं, घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसा सुना होगा। मंदिर धो रहे हैं बार बार गंगा जल से, तो ऐसी ट्रेडिशन इन्होंने बना के रखी है और कह रहे हैं कि भगवान अयप्पा ने शादी नहीं की थी इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो ये कुछ रिडिकुलस नहीं लग रहा है? अगर अयप्पा होते तो सबको 2-2 चाटे जरूर लगाते हैं, ऑब्वियसली, कि जिस तरीके का रेडिकुलस काम आप कर रहे हो, ठीक है। खैर, तो सबरीमाला में विमेन एंट्री, अब यहाँ पे क्या मुद्दा आ सकता है कि यहाँ 2 मसले फंस रहे हैं। एक रिलीजियस कॉन्सियसनेस और एक डिग्निटी ऑफ विमेन, यहाँ 2 मसले फंस रहे। डिग्निटी ऑफ विमेन, महिला की मर्यादा और धार्मिक स्वतंत्रता, क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो ऐसे करंट इश्यूज को आपको जरूर यहाँ पे डील करना है, ठीक है।
करेंट इश्यूज को यहाँ पे डील करना है। जैसे अभी मैंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी ये मुद्दा अभी बना हुआ है, या जैसे आधार का मुद्दा, आधार का मुद्दा ये भी अभी चर्चा में बना हुआ है। तो जो करेंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उसको जरूर हमें डील करना चाहिए, और एक बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होने चाहिए। बेसिक जो प्रिंसिपल है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब आर्टिकल 14 से लेके और 32 तक एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर याद होना चाहिए। कहीं यहाँ से कुछ पूछे, क्योंकि एग्जांपल लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, ठीक है। कुछ सवालों को हम जरूर देखते हैं और उसको एक फ्रेम करने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें देखनी है, करंट इश्यूज को देखना है और बेसिक प्रिंसिपल को देखना है, ये दो चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब यही पार्ट तो जीएस में भी पूछते हैं, जनरल स्टडीज में, जनरल स्टडीज पेपर 2 में भी यही पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम किसी किसी का ओपिनियन लिख सकते हैं, ओपिनियन लिख सकते हैं, ओपिनियन मतलब जैसे कोई थिंकर है उसकी ओपिनियन इसके ऊपर लिख सकते हैं। जैसे मान लो सबरीमाला का इश्यू लिख रहे हो तो लिख सकते हो कि जेम्स मिल महिला स्वतंत्रता का समर्थक था और वो कहता था कि बिना महिलाओं को समाज में बराबरी का अधिकार दिए आप किसी भी समाज के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यू कांट इमेजिन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एट अ लार्ज स्केल विदाउट इंक्लूजन ऑफ विमेंस इन दी सोसाइटी। तो अब ये स्टेटमेंट लिख के अंडरलाइन कर दिया तो इससे आंसर क्या हो गया, थोड़ा सा हाँ स्पेशलाइज दिख रहा है। ये जीएस में नहीं करना है, जेम्स होम्स मिल की बातें नहीं लिखनी है, ठीक है। देखो एक सवाल, What is right to privacy? सब 150 words है। What is right to privacy? निजता का अधिकार क्या है? What is right to privacy? Explain in the light of, explain in the light of recent jurisdiction of Supreme Court. Supreme Court के वर्तमान में किए गए निर्णय के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करिए। राइट टू प्राइवेसी क्या है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्तमान में किए गए निर्णयों के संदर्भ में इस पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रिंसिक part of the right to life and personal liberty. Do you agree? निजता का अधिकार, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों का स्वाभाविक भाग है, क्या आप इससे सहमत हैं?
प्रश्नों का स्वरूप देख रहे हो, चीज वही रहेगी घुमा फिरा के प्रश्न पूछने की ट्रेडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट में लाई अ न्यू पाथ ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन, डू यू एग्री? निष्ठा का अधिकार न्यायपालिका को न्यायिक हस्तक्षेप का एक नया मार्ग देगा, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? मतलब जुडिशरी हर जगह कूद के आ जाएगी, हर मसले में आ जाएगी, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी इज एन एग्जैगरेटेड राइट, गिव योर व्यूज। राइट टू प्राइवेसी डिबेट इज एग्जैगरेटेड, बढ़ा चढ़ाकर, गिव योर व्यूज। निष्ठा का अधिकार एक अतिशयोक्ति पूर्ण अधिकार है, या अतिशयोक्ति पूर्ण बहस है, कि आपके अपने विचारों को दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया है। कंपल्सरी आधार नॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज इज अ रोड ब्लॉक, यस, इज ए हर्डल। कंपल्सरी आधार नॉर्म्स फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज इज अ हर्डल टू रियलाइज राइट टू प्राइवेसी, एक्सप्लेन। इस बात को एक्सप्लेन करें, इसकी चर्चा करें क्या, कि अनिवार्य आधार नियम निजता के अधिकारों की प्राप्ति में एक बाधा के रूप में है, निष्ठा के अधिकारों की प्राप्ति में एक बाधा के रूप में है। प्रश्नों का स्वरूप समझ में आ रहा है? ठीक है, चले। देखो, मुद्दा एक है और सवाल कई सारे उठ गए, और जवाब वही है, उसी के इर्द गिर्द है। एक ही मुद्दा है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े, क्योंकि जो पेपर बना रहा है वो एक अनुभवी प्रोफेसर है, जिसको कि पुराना अनुभव है ऐसे प्रश्नों को बनाने का। आपकी वो समझ निकालना चाहता है आपके अंदर से, तो जैसा नहीं होता, समझदार को इशारा ही काफी है, तो यहां वो इशारा कर रहा है, अगर आप समझदार हो तो पकड़ लोगे। नेक्स्ट,
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ राइट टू प्राइवेसी. एनालाइज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ राइट टू प्राइवेसी. Is it fulfilling greater goals of Article 21? निष्ठा का अधिकार की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण करिए और इस बात की समीक्षा करिए कि क्या यह अनुच्छेद 21 के बृहत उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक है. जो 21 में लिखा गया, क्या राइट टू प्राइवेसी आने से और अनुच्छेद 21 का विस्तार हुआ है? एक होता है ना कि आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हो जाना. ठीक है, नेक्स्ट. एक्सप्लेन various aspects of a right to privacy. It enters a new phase of human rights. Explain. निष्ठा का अधिकार के विभिन्न आयामों की समीक्षा करिए. यह मानवाधिकारों के एक नए युग में प्रवेश है. ठीक है, क्या हो रहा है इसमें? इट एंटर्स अ न्यू फेज ऑफ ह्यूमन राइट्स. प्रश्न वही है, बस मैं इसको अलग अलग डिमेंशन से घुमा रहा हूं. ठीक है, poses a challenge. Right to privacy poses a challenge to realize DPSP. Critically examine. राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की प्राप्ति में निजता का अधिकार एक चुनौती है. क्या करो इसे? क्रिटिकली एग्जामिन करो, आलोचनात्मक समीक्षा करो. ठीक है, तो ये सारे प्रश्न देखने से क्या लग रहा है कि एक मुद्दा है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूम रही है. ठीक है, सारी कहानी चल रही है. कोई भी मुद्दे के ऊपर एक इंट्रो या कोई भी एक खास बात हमें पता होगी तो हम आंसर को वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. मल्टीपल रिपीटिशन के बाद वो स्टार्ट एक बैठ जाएगा दिमाग में कि ये टॉपिक को स्टार्ट कैसे करना है. ठीक है, लेट्स हैव अ लुक हाउ टू फ्रेम आर आंसर फॉर दीज क्वेश्चंस.
अब हमें लिखना तो है 150 वर्ड में, तो हम इंट्रोडक्शन के लिए क्या ले लेते हैं कि ये मुद्दा कहाँ से उठा है, राइट टू प्रिवेसी का डिबेट कहाँ से उठा है, ये कब से चला रहा है, राइट टू प्रिवेसी का मसला कहाँ से चला रहा है, ये एक इशू है, नहीं ये एक बहुत ही क्लियर कट इशू है। तो राइट टू प्रिवेसी का मसला कहाँ से चला रहा है, ठीक है। 1954 और 1961 के आसपास में ये मसला कुछ उभरा था, ठीक है। राइट टू प्रिवेसी को लेके बहुत लंबा एक डिबेट चला रहा है। एक एमपी शर्मा का केस है और एक खड़क सिंह केस है। ये दो केसेस सुप्रीम कोर्ट में गए, इसमें 6 जजेस की बेंच है और इसमें 8 जजेस बैठे थे, ठीक है। और इन दोनों मसलों में क्या कहा गया, ईयर नहीं इंपॉर्टेंट है, ईयर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई हिस्ट्री तो है नहीं है, इट इज पॉलिटिकल साइंस, तो यहां बस नाम लिख दो किस केस में क्या हुआ। इन दोनों जगहों पे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया इन दोनों मामलों में कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है, बहुत क्लियर सी बात है। और राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अब ये डिबेट, ये तो पुराना वाला हिस्सा हो गया, ये डिबेट फिर से कब से महत्वपूर्ण हो गई, दिस डिबेट केम टू अनदर राउंड ऑफ इम्पोर्टेंस कब आ गया, 2012 में डिबेट अगेन स्टार्टेड और इस बार एक हमारे जज हैं पुट्टा स्वामी, केस इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, किस किस के लिए चैलेंज किया था कि कंपल्सरी नॉर्म्स ऑफ आधार इनका चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट की सरकार ने जो कंपल्सरी किया है उसकी समीक्षा की जाए, ठीक है, समझ गए। और इसकी वर्तमान स्टेटस क्या है, 2017 में 9 जजेस की बेंच ने क्या फैसला दिया कि राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ दी आर्टिकल 21, समझ रहे हो, राइट टू प्राइवेसी इज इंट्रेंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। सवाल ये है कि क्या हमें अकेले रहने का भी अधिकार होना चाहिए, जैसा अमेरिका में भी इसको लेके बहस छिड़ी हुई थी, विकसित देशों में तो बहुत पहले से है, तो अमेरिका में भी लेके सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुआ था कि क्या हम राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माने, तो अमेरिका के जजों ने जो सुप्रीम कोर्ट के थे उन्होंने कहा कि राइट टू प्राइवेसी होनी चाहिए क्योंकि इंसान की इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए कई बार एकांत भी जरूरी होता है। वहां के एक जज ने कहा कि राइट टू बी लेफ्ट अलोन, यूएस के एक जज ने कहा कि राइट टू बी लेफ्ट अलोन, कई बार हमें कैसा महसूस होता है, कई बार अकेले रहने का मन करता है और उस समय कोई डिस्टर्ब करेगा तो हमारी
अपनी पर्सनल स्पेस खराब होती है। हम 24 घंटे लोगों के बीच में नहीं रह सकते। हम क्यों कभी कभी चुप हो जाते हैं, क्यों कभी कभी चुपचाप घर में 10 भी लोग होंगे तो हम बैठे रहते हैं चुपचाप, ऐसा क्यों? अकेलापन चाहिए, इंसान को अकेलापन चाहिए होता है कि नहीं? उसकी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होगी, वो परमानेंट समाज और परिवार के लिए उपलब्ध नहीं रह सकता। तो अगर हमारी पर्सनल जानकारियाँ पब्लिक स्पेस में आएंगी, उसका उपयोग सरकार करेगी, तो ये लोगों की जो क्या होगा उसको उल्लंघन होगा एक तरीके से। सरकार कह रही थी कि आपकी हर चीज़ जानने का हक हमें है, और कोर्ट कह रही है कि हर चीज़ को आप जान नहीं सकते, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होती हैं और उसको हम पब्लिक स्पेस में लाना नहीं चाहते। तो हमारी इच्छा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी प्राइवेट बातें पब्लिक स्पेस में आने के बाद आपकी सामाजिक जिंदगी में खलल पड़ सकती है। योर पब्लिक लाइफ विल बी अंडर दी थ्रेट व्हेन योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन विल बी लीक्ड। ऐसा भी है क्या? इंसान दो स्पेस में जीता है, एक इंडिविजुअल स्पेस और एक होता है पब्लिक स्पेस, और वो दोनों स्पेस उसके लिए महत्वपूर्ण है। समाज के लिए वो कैसा है और अपनी पर्सनल स्पेस में कैसा है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं और हमें अलग अलग ही समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल विदेशों में क्या होता है कि वहाँ पे इंडिविजुअली कौन कैसा है वो उसका अलग मैटर है, और पब्लिकली कैसा है वो उसका अलग मैटर है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जब हिटलर और जॉर्ज वॉशिंगटन की तुलना की जाती है तो हिटलर अपने इंडिविजुअल लाइफ में बिल्कुल ब्रूटल नहीं है। हिटलर लोगों से मिलजुल के रहता है, हिटलर पूजा पाठ में विश्वास करता है, कभी लोगों का ट्रस्ट नहीं तोड़ता है, वाइन को उसने हाथ नहीं लगाया है, हिटलर लिकर कंजम्पशन नहीं करता था, समझ रहे हो, और जबान का एकदम पक्का था, रघुकुल का व्यक्ति लगता है जर्मनी पहुंच गया था। नहीं कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, लिखा गया है ना ऐसा, तो ऐसा लगता है कि जर्मनी में हिटलर एकदम जवान का पक्का है, अपने वादे से मुकरता नहीं है, और दुनिया उसे किस रूप में जानती है, मास्टर ऑफ जेनोसाइड ऑफ ज्यूस, कट्टरता के नाम पे, नाजीवाद के नाम पे उसने लाखों यहूदियों को बलिदान दे दिया। अब हम जरा जॉर्ज वॉशिंगटन की बात करें, जॉर्ज वॉशिंगटन अपनी निजी जिंदगी में देवदास जैसे हैं, दिन रात शराब के नशे में रहते हैं, उनकी बात का कोई भरोसा नहीं है, उनकी निजी जिंदगी है ये, समझ रहे हो। हिटलर की निजी जिंदगी कैसी है, बहुत अच्छी है, और जॉर्ज वॉशिंगटन की निजी जिंदगी, उनके 2-3 डिवोर्स हो चुके हैं जॉर्ज वॉशिंगटन के, पूरा डिवेस्टेटेड है, लेकिन जब पब्लिक लाइफ में आते हैं, जब वो अमेरिका को नेतृत्व देने की बात होती है, तो वैसा तो लीडर ही नहीं हुआ। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लॉर्ड कॉर्नवालिस से किसने लड़ी थी? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ अमेरिका फॉट बाई अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन अगेंस्ट ब्रिटिश लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्हेन ही केम इन द पब्लिक स्पेस ही शोन हिज कैलिबर डिस्पाइट एडवर्सिटीज इन हिज इंडिविजुअल लाइफ। अपनी निजी जिंदगी में बहुत खराब होने के बावजूद भी उनकी सार्वजनिक जिंदगी बहुत अच्छी थी। इसका मतलब यह है कि ये दोनों स्पेस अलग अलग हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे मानते कि विराट कोहली है तो पार्टीज में जाना, डांस करना, उधम चौकड़ी मचाना, उनके किस्से बहुत फेमस हैं इंडिविजुअल लाइफ के, लेकिन पब्लिक स्पेस में कितना डिग्निफाइड है, हर चीज बहुत सोच समझ के करनी है, हर स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के देना है, उसी उम्र में, उम्र ज्यादा नहीं है, 31 साल में तो अभी यहां 2 अटेम्प्ट बचा के लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, समझ रहे हो। तो इतना कम उम्र में अगर इतना ज्यादा समझदारी है, इसका मतलब कि पब्लिक स्पेस और इंडिविजुअल स्पेस को अलग अलग करना जरूरी भी है। हम अपनी निजी जिंदगी में कैसे हैं ये बिल्कुल निर्धारित नहीं करता है कि हमारी पब्लिक स्पेस कैसी होगी। जब हम नेहरू जी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो भारत के समाज में दिक्कत यह है कि हम किसी की तुरंत निजी लाइफ में घुस जाते हैं और निजी लाइफ में जाके उसकी पब्लिक स्पेस को डिफाइन कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि निजी लाइफ में अगर इनकी कोई समस्या है तो हम उनको जोड़ देंगे उसकी पब्लिक लाइफ से, समझ रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी का डिवोर्स का केस चल रहा हो, फॉर एग्जांपल
और अगर उसको हम ये कह दें कि उसकी निजी जिंदगी में चले गया, और फिर हम ये कहेंगे कि जो आदमी परिवार नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा अगर प्रधानमंत्री बनने की बारी हुई। इंदिरा गांधी के साथ यही हुआ था क्या? इंदिरा गांधी का जब डिवोर्स हो गया फिरोज गांधी के साथ, तो उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि जो व्यक्ति परिवार नहीं चला सकता है वो देश क्या चलाएगा। चलाया था उन्होंने देश, चलाया था ना, बहुत अच्छे से चलाया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। ये हुई थी जैसा नेहरू जी का अपना पर्सनल स्पेस था, विदेशों में पढ़े लिखे थे, उनकी विदेशी लाइफ स्टाइल थी, जेल भी गए, भारत में स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई भी लड़ी, लेकिन हम उनकी निजी जिंदगी में झांक के और वहां से खड़े होकर देखते हैं कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में सारे काम गलत कर दिए। तो दो अलग अलग चीजें हैं ना भाई, कि नहीं? तो हमें इसको सेपरेट करके देखना पड़ेगा, ठीक है? तो वही कहा गया कि हमारी निजी जिंदगी में कोई ताक झांक नहीं कर सकता, सरकार हमारे ऊपर विजिलेंस नहीं लगा सकती। सरकार अभी तक कर क्या रही थी कि हमारी फोन कॉल्स को टैप कर रही थी, हमारी मैसेजेस को टैप कर रही थी, हमारी सारी जानकारी सरकार के पास है, कितने अकाउंट हैं, कौन कौन से क्या क्या हमारी गतिविधियां हैं, वो सब कुछ सरकार के सर्विलेंस में है। आप सोचते हो कि आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, वो जानकारी सरकार तक नहीं पहुंची, आपने किसी को मैसेज भेज दिया वो सरकार तक नहीं पहुंचा है, पहुंचा है? एवरी मैसेज, एवरी फोन कॉल्स, एवरी वीडियोज आर फिल्टर्ड बाई गवर्नमेंट एजेंसीज, समझ रहे हो? और ये किस नाम पे किया जाता है? कभी राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे, कभी नियमों को लगाने के नाम पे। तो क्या हमारी पर्सनल स्पेस को कोई फिल्टर कर रहा है क्या? कोई मिसयूज कर रहा है क्या? राष्ट्र की सुरक्षा के नाम पे क्या आप हमारी जानकारियां सुरक्षा एजेंसियों को दे दोगे? तो कल की डेट में वो हमें डरा धमका के हमारा मिसयूज भी तो कर सकते हैं। कभी आप गौर करते हो कि आपने किसी को नंबर शेयर नहीं किया और फिर भी आपको क्यों मैसेज आते रहते हैं कि आपको 1 करोड़ रुपए इनाम मिल गया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दिया हुआ है, और आप अकाउंट नंबर शेयर करिए और उसी में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये नंबर किसने लिख किया भाई? इसका मतलब एजेंसीज हमारे नंबर का मिसयूज कर रही हैं। फेसबुक के ऊपर तगड़े एलिगेशन लगे हैं कि वो लोगों की डेटा जो लेते हैं ना, कि नाम भरो, अपनी इंटरेस्ट भरो, उम्र भरो, क्षेत्र भरो, लिख के आता है ना उस पर, गूगल के ऊपर लिख के आता है कि प्लीज आइडेंटिफाई योर प्लेस। क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब गूगल को हमारी हर चीज की नजर है। तो अमेरिका के कांग्रेस में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को बुलाया गया और उनसे सवाल जवाब किया गया कि क्या आप लोगों की निजी इंफॉर्मेशन को प्राइवेट कंपनियों को शेयर कर रहे हो? अगर ऐसा ना होता तो जैसे गूगल पे हमने सर्च किया कि हैंडकरचीफ, रुमाल, अगली सर्च में जब हम कोई भी काम करेंगे तो पॉपअप होता रहेगा हैंडकरचीफ अलग अलग कंपनियों के। इसका मतलब यह है कि आप हमारी जानकारी दूसरों को शेयर कर रहे हो। नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि आपने अपनी ही जो सेटल्ड नॉर्म्स है उसमें लिखा हुआ है कि कंपनी विल नेवर एवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ एनी थर्ड पार्टी, पढ़ा है ऐसा? तो आपने मेरे से तो लिखवा लिया कि आई डू हियर बाई एक्सेप्टेड ऑल दी अबव टर्म एंड कंडीशंस, लेकिन क्या उस टर्म कंडीशन को आप मान रहे हो? तो सवाल ये भी है, समझ रहे हो? तो कोई भी व्यक्ति हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन को, सरकार हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, कुछ भी हो, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कोई यूज नहीं कर सकता। तो देखो, तो ये फैसला समझ में आ गया, ठीक है? अब देखो, बिना सुप्रीम कोर्ट के ये मसला लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही तो फैसला दे रहा है ना, ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है और उसमें वो बहुत क्लियर है, ठीक है? मेन बॉडी में मेन बॉडी के अंदर में हम ये लिखेंगे कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, सीधे इसी को आता है टू द पॉइंट, समझ रहे हो? टू द पॉइंट क्या अप्रोच होता है कि जो मुद्दा है वहीं से सीधे स्टार्ट करें, क्योंकि जब 150 वर्ड्स में लिखना है तो हमारे पास बहुत स्पेस नहीं है कि हम आलतू फालतू बातों को लिखें। तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है कि
पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ, ये दोनों एक अच्छी जिंदगी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। और इसको क्या माना गया है, ये नेचुरल राइट्स भी है, समझ रहे हो। नेचुरल राइट्स मतलब कि इंसान को जन्म के साथ ही ये मिल जाता है, राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। और उस जीवन में क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा जीवन कब चलेगा। राइट टू लाइफ मतलब क्या हो गया कि देखो, कहा गया कि एजुकेशन मिल जाए, ये सब कहा गया ना, बाद में चल के आर्टिकल 21A में इसे स्टेटस भी दे दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल, एजुकेशन मिल जाए, एनवायरनमेंट हो जाए। एनवायरनमेंट पे अभी केवल डिबेट लेवल पे काम चल रहा है कि अच्छा एनवायरनमेंट हो जाए, फिर भी इसके लिए जंग जारी है, इसको भी इंक्लूड करने के लिए। जैसे वर्क का अधिकार मिल जाए, राइट टू वर्क, जैसे हमने मनरेगा जैसे कानून बना दिए, नहीं मनरेगा जैसे कानून बना दिए, राइट टू वर्क हो गया। जैसे अब ये सब तो राइट है ही, जब हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं, जो हमारा मेन इश्यू है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या मानता है राइट टू प्राइवेसी, इसमें कौन से इश्यूज इंक्लूड किए जाएंगे, इसमें कौन से इश्यूज इंक्लूड किए जाएंगे, 2017 से कौन से इश्यूज इंक्लूड किए गए। राइट टू मैरिज, डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, कंसीविंग, कंसीविंग गर्भधारण, एबॉर्शन गर्भपात, राइट टू मैरिज, डिवोर्स, लिव इन रिलेशनशिप, कंसीविंग, एबॉर्शन, फिर जॉब, ठीक है, फिर कॉन्सेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप, स्वैच्छिक भौतिक संपर्क, कॉन्सेंशुअल फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है, इसका दायरा बड़ा लग रहा है, नहीं इस राइट टू प्राइवेसी का दायरा बड़ा लग रहा है। LGBTQ राइट्स, LGBTQ राइट्स, LGBT राइट्स, ठीक है, LGBT राइट्स। फिर एक और मुद्दा है आर्टिकल 377, इनवैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 377, होमोसेक्सुअलिटी। ये सारे मुद्दे कहां से आ गए, और राइट टू प्राइवेसी के मुद्दे हैं, समझ रहे हो। और फिर और कोई कंफ्यूजन होगा तो फर्दर डिटेल कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट। और एक और बात देखनी है कि देखो, जब सुप्रीम कोर्ट में एक होता है फेवर में डिसीजन कितने हैं और अपोज में डिसीजन कितने हैं, तो देखो ये 9-0, जैसे अयोध्या वाला वर्डिक्ट दिया गया, तो ये क्या था, यूनैनिमस डिसीजन ऑफ द बेंच, ये एक मत से लिया गया निर्णय था बेंच का, यह एक मत से बेंच का लिया गया निर्णय था कि ये सारे मुद्दे यहां पे लाए गए, ये सारे मुद्दे यहां पे लाए गए,
समझ रहे हो, क्लियर है? अब आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी के ऊपर आधार का क्या इश्यू रह गया? एक तो हमने लिख लिया कि आर्टिकल 21 का क्या स्टेटस है, एक बात ये। फिर क्या आधार का इश्यू रिजॉल्व हुआ आधार वाले सवाल में, समझ रहे हो? और बाकी में लिखना है कि क्या आधार को कंपलसरी बनाए जाने को लेके कोई रिजोल्यूशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो नो फाइनल वर्डिक्ट टू मेक इट कंपलसरी, मेक इट कंपलसरी 5 judges bench will consider it। अभी इसको कंपलसरी बनाए जाने पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, 5 judges की सदस्य इस पे विचार करेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है, 3, 5, 13, 9 ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है। तो आधार के ऊपर अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया गया है कि इसकी क्या स्थिति बनेगी, ठीक है, क्लियर है, समझ रहे हो? जैसे कह रहे हैं कि क्या राइट टू प्राइवेसी ने ह्यूमन राइट्स का दायरा बढ़ा दिया है, ह्यूमन राइट्स का एक्सटेंशन है, ह्यूमन राइट्स का एक्सटेंशन है। वहीं पे ब्रैकेट में मैं एक ही प्रश्न में लिखवा रहा हूं जो सवाल लिखे हैं, ठीक है, वो कह रहा है ना कि ह्यूमन राइट्स का एक्सटेंशन है क्या ये, तो इसका मतलब कि ये विस्तार है ह्यूमन राइट्स का। तो जो पुराना वाला ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, इसमें क्या क्या दिया गया है, वही जो हमारे फंडामेंटल राइट में दिया गया है, इक्वालिटी का राइट, जस्टिस का राइट, ठीक है, इक्वालिटी का, इक्वालिटी भी कई तरीके की है पता ही है, रूल ऑफ लॉ है, माने लॉ की इक्वालिटी है, एबोलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट्स है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट्स हैं, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, रिलीजियन के अधिकार है, नहीं, एक्सप्लॉयटेशन अपोज है, शोषण का विरोध है। तो पुराना वाला तो ये चल ही रहा है और इसी दायरे को बढ़ा दिया है राइट टू लाइफ वाले वर्डिक्ट ने, नहीं, राइट टू लाइफ, वर्डिक्ट ऑफ राइट टू लाइफ, जो ये वर्डिक्ट दिया गया राइट टू लाइफ में राइट टू प्राइवेसी को जोड़ दिया गया है, तो राइट टू प्राइवेसी ने ह्यूमन राइट्स की दायरे को बढ़ा दिया है क्या? पहले वहीं तक था, अब यहां तक भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि राइट टू प्राइवेसी एक डायनामिक डिसीजन है क्या ये? और यहीं पे अंबेडकर साहब का कथन लिख लेना है कि अंबेडकर ने कहा हुआ था कि भारत का संविधान डायनामिक है न कि स्टैगनेंट, भारत का संविधान गतिशील है न कि स्थिर, यह समय के अनुसार अपने को ढाल लेगा। फेमस स्टेटमेंट ऑफ बी आर अंबेडकर इन दिस रिगार्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक रेदर देन स्टैगनेंट, ठीक है, भारत का संविधान गतिशील है ना कि स्थिर है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक रेदर देन स्टैगनेंट, यह स्थिर नहीं है, यह डायनामिक है, और अगर डायनामिक है तो सफल है क्योंकि समय के अनुसार अपने को मॉडिफाई कर लेगा, वो चेंज कर लेगा, ठीक है, समय के अनुसार अपने को चेंज कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो? फिर मैं कहूं कि इसको लागू करने के चैलेंजेस क्या हैं, राइट टू प्राइवेसी को
लागू करने के चैलेंजेस क्या क्या हैं, कैसे लागू होगा। एक तो देखो भारत में क्या है, कन्फेडरेशनल स्ट्रक्चर है, केंद्र और राज्य की सरकारें बदल सकती हैं, तो उसको लागू करने में दिक्कत हो सकती है। कन्फेडरेशनल डिस्प्यूट्स, संघीय विवाद किसके किसके बीच में, हाँ ठीक है, स्टेट्स और सेंटर के बीच में ये डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, कन्फेडरेशनल डिस्प्यूट्स। एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज क्या है कि सरकार ये भी तो बोल सकती है ना कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये खतरा है ना, या तो सरकार इसको कोई बहाना बना के मिसयूज़ कर सकती है। जैसे हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें, गवर्नमेंट और एनी इंस्टीट्यूशन में वायलेटेड इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इसको लागू करने में ये है, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पे कोई भी संस्था या सरकार इसका मिसयूज कर सकती है, ठीक है। फिर प्राइवेट एंटिटीज को कैसे लेके आया जाए, हाउ टू इंक्लूड प्राइवेट एंटिटीज, जैसे हम कहीं किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं तो वो भी तो हमारी जानकारी रखते हैं ना, जैसे हमने बैंकों को या किसी संस्था को कहीं नौकरी करने गए तो उसने हमारी जानकारी रख ली और बाद में किसी को सेल आउट कर दिया, उनके पास पूरा रिकॉर्ड रहता है ना, तो भी तो मिसयूज हो जाता है। तो हम लिखे हैं कि हाउ टू इंक्लूड प्राइवेट एंटिटीज एंड ऑनलाइन जायंट्स, दैट इज गूगल, फेसबुक ट्विटर, यूट्यूब, समझ रहे हो, इनको कैसे लें, निजी संस्थाओं को और ऑनलाइन भीमकाय संस्थाओं को कैसे इसमें सम्मिलित किया जाए जिससे कि वो जानकारियों को शेयर ना करें, क्यों, इसको लागू करने का चैलेंज है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मान लो हमारी जानकारी ली गई किसी भी नाम पे और खतरा क्या है कि उसे हमारे अकाउंट से पैसा ना विड्रॉ होने लगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अच्छा, ऐसा सुना था क्या कि जो आधार कार्ड परियोजना के चीफ थे उन्होंने एक दिन कहा, पांडे जी थे कोई, तो उन्होंने एक दिन कहा कि आधार कार्ड को बैंकों में कंपलसरी बना दिया जाए तो मैं इस बात को 1000% कह सकता हूँ कि ये फुली प्रूफ है और सिक्योर है, एक पैसा वहाँ से गड़बड़ी नहीं होगी। तो किसी ने उनके ट्विटर अकाउंट पर नीचे लिखा कि 5 मिनट वेट करिए मैं बताता हूँ, कोई हैकर था, एथिकल हैकर भी होते हैं, मतलब कि वो दिखाने के, उसने कहा जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स, आई विल गिव यू प्रूफ। 5 मिनट के अंदर में उसने 3 मिनट बाद फिर से रीट्वीट किया, उस आदमी ने कहा कि चेक योर अकाउंट, 1 रुपीज विड्रॉन, जो हेड थे आधार परियोजना के, तो उन्होंने लिखा कि यस 1 रुपीज विड्रॉन, ठीक है। अब देखो, तो फिर उसने फिर कहा कि ओके, दो मिनट का लेट्स वेट, 2 मिनट बाद फिर कहा कि रीचेक योर अकाउंट, 1 रुपीज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट अगेन विच वॉज डेबिटेड, फिर से 1 रुपए मैंने भेज दिए हैं, चेक करो। तो उन्होंने कहा कि अब तो झल्ला गए पांडे जी, वो तो कह रहे थे कि सुरक्षित है एकदम, तो उन्होंने कहा कि नीचे लिखा कि ऑफ कोर्स यू हैव गुड हैकिंग टेक्निक्स बट माय दिस अकाउंट इज नॉट लिंक्ड टू आधार, झूठ बोल रहे थे। तो उसने कहा कि इफ योर अकाउंट इज नॉट लिंक्ड टू आधार देन हाउ वुड आई मैनेज टू विदड्रॉ एंड क्रेडिट मनी इनटू योर अकाउंट, झूठ बोल रहे थे। अभी कह रहे थे 5000 गुना सेफ है और उन्हीं की अकाउंट सेफ नहीं थी, खतरा है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का खतरा है, वित्तीय सुरक्षा का खतरा है, लोगों की गाढ़ी कमाई। देखो, जिसके पास बहुत पैसा है
उसका चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। जैसे 100 करोड़ रखा है, 2-4 करोड़ निकल गया तो कोई खास परेशानी नहीं है। मान लो किसी ने 2 ही लाख रखे हैं तो, और वो बहुत मेहनत से बटोरा है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। भारत में पैसा जोड़ जोड़ लेना बड़ा डिफिकल्ट काम है, क्योंकि भारत में अवसर कम मिल पाते हैं। खैर, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी का चैलेंज दिखाई दे रहा है। और क्या चैलेंज है इसको लागू करने में, राइट टू प्राइवेसी को लागू करने में और क्या चैलेंज है? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल फ्रेमवर्क। अब जैसे कई जगह पे लिखा है कि भाई एबॉर्शन किस अवस्था में नहीं करोगे। अब मान लो कि बच्चे की बच्चा जैसे एक नियम होता है कि लगभग ऐसा मानो कि 18 वीक के बाद उसमें आप लीगल एबॉर्शन नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब मान लो अगर ऐसे कुछ नियम हैं तो ये थोड़ा सा खतरनाक है। जैसे मान लो 6 महीने के लगभग में 24 वीक के बाद आप एबॉर्शन नहीं करा सकते हो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एबॉर्शन कराने का अधिकार है और लीगल राइट्स कह रही है कानूनी रूप से आप 24 महीने के बाद एबॉर्शन नहीं करा सकते, तो क्लैशेस दिख रहे हैं क्या? लीगल प्रोविजन और राइट टू प्राइवेसी के बीच में एक कंफ्लिक्ट दिख रहा है, ठीक है। टू प्राइवेसी का कंफ्लिक्ट, इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? कंफ्लिक्ट्स है। फिर देखो एक और समस्या है, जैसे मान लो नक्सलाइट बेल्ट है, नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, माओविज्म है, वहां के लोग भी तो जो उसमें लगे भी हुए हैं वो भी तो कहेंगे ना कि मेरा भी राइट टू प्राइवेसी है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी का खतरा पैदा होगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता है ना कि कौन नक्सलाइट है, कौन आतंकवादी है। तो यहाँ पे माओविज्म और टेररिज्म जैसी बातें थोड़ी सी थ्रेट कर रही हैं। टेररिज्म, माओविज्म, नक्सलिज्म, ये लोग भी तो डिमांड करेंगे ना, ये लोग भी डिमांड करेंगे, तो यहां पे एक समस्या ये दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको सजेशंस क्या दे सकते हो इसके लिए कि राइट टू प्राइवेसी को कैसे ठीक से लागू करें? ये तो चैलेंजेस हो गए, राइट टू प्राइवेसी को लागू करने के लिए क्या किया जाए? तो हमें ये विकसित करना होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगी संघवाद, माने केंद्र और राज्य सरकारें आपस में मिल के काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कन्फ्लिक्ट की बजाय कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, कन्फ्लिक्ट की बजाय कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया जाए, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो गया ये, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि और क्या सजेशंस दे सकते हैं, तो टेक्निकल इम्प्रूवमेंट करें, नहीं तकनीक को इम्प्रूवमेंट करेंगे तो ये जितने भी एजेंसीज हैं, फेसबुक है, ये सब है, इनको हम अपनी ट्रैप में ले सकते हैं, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, तो क्या लिखें? टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड अपग्रेडेशन, तकनीकी नवाचार और उन्नयन, तकनीक को और मजबूत बनाएं, नई पद्धतियों को प्रवेश कराएं, ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, हमारे सामने कई सारे माध्यम होते हैं, जनरल अवेयरनेस, अवेयरनेस के कई माध्यम हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक लेवल पे हो सकता है, मतलब कोई ड्रामा ले लिया या कोई प्ले हो गया, है ना, नुक्कड़ नाटक हो गए, जैसे स्कूल्स कॉलेज हो गए, नहीं स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटीज, वहाँ पे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराते रहें, और मीडिया का सहारा ले सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया का सहारा लेके हम ज़रूर एक जनरल अवेयरनेस का काम कर सकते हैं। लोगों को अपनी राइट्स के बारे में पता होगा तभी तो यूज़ करेंगे ना, तो इसका काम हम कर सकते हैं। और
और क्या लग रहा है, और क्या सजेशन दे सकते हैं हम इसको बेहतर बनाने के लिए? हमें पब्लिक स्पेस और इंडिविजुअल स्पेस को डिफाइन करना होगा एज अ सोसाइटी। नहीं आ रहा है समझ में? समाज के रूप में हमें व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन को अलग अलग करना होगा। एज ए सोसाइटी नीड टू सेपरेट पब्लिक एंड इंडिविजुअल लाइफ। तो हम दो चार ऐसे कुछ सजेशन दे सकते हैं, कुछ चैलेंजेस लिख सकते हैं, कुछ उसकी परिभाषाओं के विस्तार कर सकते हैं और हम आंसर को नियर अबाउट समाप्त कर सकते हैं। देखो और कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बस वो तरीके अलग अलग हैं, कंटेंट यहीं से निकलेगा। डीपीएसपी की प्राप्ति में चुनौतियां और डीपीएसपी क्या है? सरकार को और संविधान ने एक निर्देश दिया हुआ है सरकार को कि ऐसे ऐसे काम करो, जैसे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लाओ, वेजेस को बराबर करो, राइट टू वर्क दो, अच्छा एनवायरनमेंट करो, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी लाओ, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाओ, या SC ST को एजुकेशनल और इकोनॉमिकल हेल्प दो, एक तरीके से पंचायती राज को ऑर्गेनाइज कराओ, मैटरनिटी रिलीफ दो, यही सब है ना। तो अब ये कह दिया, अब राइट टू प्राइवेसी को लागू करने में, जैसे राइट टू प्राइवेसी हमने देख लिया और उधर DPSP देख लिया, तो सरकार ये कह सकती है ना कि हमको DPSP के तहत कोई स्कीम जैसे लागू करना है फॉर एग्जाम्पल। तो हमें कई बार राइट टू प्राइवेसी को वायलेट करना होगा, जैसे सरकार कह रही है ना कि अगर हम आधार के थ्रू कंपलसरी इसलिए कर रहे हैं जैसे कि गरीबों का जो हक है वो मिले, हम लोगों को आइडेंटिफाई कर पाए और जो सरकार योजनाओं के लाभ देती है ना उसको बीच में कोई दूसरा चुरा ना सके। तो टारगेटेड तरीके से अगर हमारे पास लोगों की बायोमेट्रिक पूरी जानकारी होगी, कंपलसरी होगी, तो हम सारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे उस व्यक्ति को दे सकते हैं, तो पब्लिक फंड का मिसयूज़ बचेगा। क्लियर है? तो हमें क्या लिखना होगा कि हमें DPSP और राइट टू प्राइवेसी को एक दूसरे के विरोध में नहीं रखना है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, समझ रहे हो? स्टैंड यही है, बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, नॉट दी राइवल ऑफ ईच अदर, समझ रहे हो स्टैंड? क्योंकि सरकार भी ऐसा तो नहीं कि सरकार हमारा बुरा चाह रही है, सरकार भी अच्छे के लिए कर रही है, तो हमें दोनों अपना अपने अधिकार और सरकार के अधिकार दोनों को बराबर में लेके चलना होगा, कन्फ्लिक्ट से बात नहीं बढ़ेगी, यही स्टैंड होगा। क्लियर है? लिख लोगे ये वाला पता है, और अगर DPSP के दो चार पांच प्रोविजन पता है तो दैट्स इट, लिख लोगे। क्लियर है? और वही है बस घुमा फिरा के मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगले मुद्दे की चर्चा करते हैं अगली डिस्कशन में।